फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की और साथ में हम बात करेंगे टाटा पावर्स की। टाटा ग्रुप्स अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है और उसके एवज में एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है टाटा ग्रुप की तरफ से। तो क्या है वो न्यूज़, उसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। साथ में आज टाटा मोटर्स में तेजी नहीं बन पाएगी तो उसके पीछे है एक बहुत बड़ी वजह, उस वजह को हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे अब तेजी बन सकती है क्या। साथ में टाटा पावर्स ने बहुत ही शानदार रिजल्ट दिखाया है, रिजल्ट दमदार है और उसके बावजूद आज थोड़ी सी इसमें फ्लैट क्लोजिंग है तो उसके पीछे क्या वजह उसको भी हम जानेंगे और आगे जाके इसके टेक्निकल लेवल क्या बोल रहे हैं, क्या टाटा पावर्स में बड़ी तेजी बनने वाली है और इसके शॉर्ट टर्म और मिड टर्म टारगेट क्या बन सकते हैं, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो अगर आपने टाटा मोटर्स या टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आप करने की इच्छा रखते हैं, तो आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी जिसकी वजह से आप अच्छे से निर्णय ले पाए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टाटा मोटर्स के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज टाटा मोटर का स्टॉक 326 पर ओपन हुआ और इसने हाई बनाई 330 की और ये लो में चला गया 321 के और क्लोजिंग दी है वो है 324.55 पर, करीब 0.14% डाउन पर क्लोजिंग है, यानी लगभग फ्लैट क्लोजिंग है। सेंसेक्स में भी बड़ी तेजी नहीं बनी, नॉर्मली पॉजिटिव क्लोजिंग है लेकिन फ्लैट क्लोजिंग है। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, BSE में 32,99,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 3,94,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 11.95%। NSE की बात करेंगे, 5,81,25,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 68,30,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 11.75%। आपको डिलीवरी परसेंटेज में कम दिखते होंगे क्योंकि ज़्यादा करके इंट्राडे ट्रेडिंग होती है टाटा मोटर्स के अंदर। इंट्राडे ट्रेडिंग करने वालों का ये फेवरेट स्टॉक है, बहुत ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। लेकिन आज इसमें गिरावट हुई, उसके पीछे वजह है बहुत बड़ी ब्लॉक डील की। तीन बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई और उन ब्लॉक डील ने ही आज पूरे सेंटीमेंट को बिगाड़ा है और इस टाटा मोटर्स के गिरावट की वजह बनी है ये तीन ब्लॉक डील, जिनको हम एक एक करके जरा डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जो पहली ब्लॉक डील हुई वो है 12:29 पर, करीब 330.25 की प्राइस से 5,83,000 शेयरों की ब्लॉक डील, बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई है और उस ब्लॉक डील के बाद में इसमें गिरावट हुई और जो प्राइस थी वो नीचे आने लगी। फिर दूसरी ब्लॉक डील हुई 1:40 पर, 326.40 की प्राइस से 5,43,000 की फिर से ब्लॉक डील हुई, बड़ी ब्लॉक डील। उसके बाद प्राइस और नीचे गिरी। फिर तीसरी ब्लॉक डील 1:56 पर, 322.95 की प्राइस से 6,79,000 शेयर की ब्लॉक डील, यानी ये इतनी बड़ी बड़ी तीन ब्लॉक डील हुई और इसी ने पूरा सेंटीमेंट बिगाड़ा है। आप इसको अच्छे से समझे जरा। देखो, पहली ब्लॉक डील हुई 330 की और आज की हाई प्राइस है 330, तो जैसे ये ब्लॉक डील में बड़ी सेलिंग प्रेशर बना इसकी प्राइस गिरने लगी। सेकंड डील होने तक इसकी प्राइस हो चुकी थी 326 की, बाद में तो फिर इसकी प्राइस गिरते हुए आ गई 322 तक। तो ये तीन ब्लॉक डील ने पूरा इस बाजार के सेंटीमेंट को बिगाड़ा, वरना इसमें आज पॉजिटिव माहौल था और इसमें तेजी बनने की संभावना थी। बाजार के विपरीत इसमें तेजी बन सकती थी क्योंकि बाइंग प्रेशर इसमें बना हुआ है। जिस तरह से खरीदारी लोग कर रहे हैं और जितने टेक्निकल एनालिस्ट है, रिसर्च एनालिस्ट है, वो भी कह रहे हैं कि टाटा मोटर्स में बहुत बड़ी तेजी बनने वाली है क्योंकि सारे के सारे सेंटीमेंट टाटा मोटर के साथ में है और टाटा मोटर्स बहुत जल्द यहाँ से उठने वाला है। आज ही इसमें तेजी बनने वाली थी लेकिन तीन बड़ी ब्लॉक डील ने इसमें गिरावट बनाई है जो आपको सामने दिख रही है कि जैसे बड़ी बड़ी जैसे शेयरों की ब्लॉक डील सामने आई, प्राइस नीचे आने लगी और इसी वजह से फ्लैट क्लोजिंग आई है। ये सबसे बड़ी बात है, गिरावट नहीं है, सिर्फ फ्लैट क्लोजिंग है, सिर्फ एक रेड दिखने के लिए रेड है, वरना क्लोजिंग फ्लैट है और बाजार भी आज फ्लैट क्लोजिंग ही हुई है। इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, टाटा मोटर्स बहुत ज़्यादा मजबूत है और आगे जाके ये बहुत ज़्यादा तेज़ी बनाने वाला है। तो अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया टाटा मोटर्स में तो अभी कर लीजिए, बहुत शानदार स्टॉक है, आपको मालामाल करने वाला है ये और यहाँ से बड़ी तेज़ी बनने वाली है बहुत जल्द। अब हम चलेंगे टाटा पावर्स की तरफ। फ्रेंड्स, टाटा पावर ने बहुत ही शानदार अपना रिजल्ट दिखाया है। टाटा पावर ने Q3 में कंसोलिडेटेड सेल्स करीब 74,878.98 करोड़ का बताया, जो Q2 से करीब 41.71% ज़्यादा है, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा, यानी Q2 से Q3 के दरमियान 41% की बढ़ोतरी हो चुकी है। Q2 में सेल था 52,839.02 करोड़ का और पिछले साल सेम क्वार्टर से 5.39% बढ़ गया है, यानी
पिछले साल जो इसका क्वार्टर थ्री में सेल था वो था 71,051.42 करोड़ का, यानी पिछले साल से 5% बढ़ गया है और पिछले दो क्वार्टर टू से 41% बढ़ गया है। तो बहुत ही शानदार इसने परफॉर्मेंस दिखाई है। और इसमें क्वार्टर थ्री में के दरमियान नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,222.21 करोड़ का हुआ है। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है और इस रिजल्ट की वजह से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेजी बनने की संभावना है। आज के कारोबार को देख लेते हैं। आज स्टॉक 88 पर ओपन हुआ और हाई बनाई 88.50 की और लो में चला गया 86 के और जो क्लोजिंग है वो है 87.30 की, करीब 0.57% डाउन पर। तो दोनों ही स्टॉक सेम वही आधा परसेंट और बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग के आसपास ही दोनों की क्लोजिंग है और दोनों स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत लग रहे हैं। अभी फिलहाल टाटा पावर का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से सिर्फ 5.73% डाउन है, यानी हाई के आसपास ही है। अगर इसके टेक्निकल लेवल को चेक करें, पहले सबसे पहले डेली लेवल पे देख लेते हैं। मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल के आ रहे हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बुलिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर वो भी बुलिश है। वीकली लेवल देख लेते हैं। मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बुलिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर वो भी बुलिश है। तो वीकली लेवल यानी एक सप्ताह तक इसमें जबरदस्त तेजी की संभावना बन रही है। अब मंथली लेवल को भी देख लेते हैं। मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बुलिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर न्यूट्रल है। इसका मतलब टाटा पावर्स के अंदर एक महीने तक तेजी जारी रहेगी और इसको आपको खरीद लेना चाहिए। पहले हम इसके पिवट लेवल को भी देख लेते ताकि पता चले कि कहां तक ये दौड़ सकता है। तो अगर यहां से अगर ये इसमें गिरावट होती है तो पहला जो सपोर्ट है वो है 77 का। स्टॉक अगर उससे भी नीचे जाएगा तो फिर जाएगा 67 तक और जो तीसरा इसका सपोर्ट है वो है 60 का। तो ये गिरावट में 60 तक जा सकता है लेकिन वैसी कोई संभावना है नहीं क्योंकि रिजल्ट बहुत दमदार है और यहाँ से बड़ी तेजी की संभावना बन रही है। तो पहला टारगेट इसका है 94 का। स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर जाएगा 101 तक और स्टॉक उससे भी अगर आगे जाएगा तो फिर जाएगा 111 तक। तो ये तेजी में 111 तक जाने की संभावना इसकी पूरी बन चुकी है। तो आपको इस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए बहुत जल्दी, यानी शॉर्ट टर्म में आपको ये 111 तक जाते हुए दिखाई देगा। और इसको अगर आप कम से कम साल भर के लिए होल्ड करते हो तो ये 150 के ऊपर जाते हुए आपको दिखाई दे सकता है आराम से। कम्युनिटी सेंटीमेंट की भी बात कर लेते हैं। 89% बाय की कॉल है, 4% सेल की कॉल है और 7% होल्ड की कॉल है। तो 89 और 7 को जोड़ेंगे तो करीब 96% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। मतलब टाटा पावर्स में बहुत ही ज़्यादा दम है और ये आपको मालामाल कर सकता है। तो आपको टाटा ग्रुप के ये दोनों शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं, इनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपने अभी तक इनमें से एक भी शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आप कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखिए। दोनों ही बहुत शानदार है और टाटा मोटर्स की तरफ से जो न्यूज़ निकल कर आई उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। टाटा मोटर्स ने अपनी 75 वर्ष गार्ड पर टाटा मोटर्स ने अपनी एसयूवी सेगमेंट से एक नई रेंज के मॉडल को लॉन्च किया है। इस लिमिटेड वर्जन की खास बात यह है कि यह सिर्फ टाटा ग्रुप के कर्मचारियों के लिए ही है। इस लिमिटेड वर्जन को JRD टाटा को श्रद्धांजलि के रूप में पेश किया गया है। यह स्पेशल कार है जिस पर JRD टाटा के सिंबल और सिग्नेचर होंगे और इस कार में सफर करने वाले अपने आप को टाटा परिवार का सदस्य होने का गर्व महसूस कर पाएंगे क्योंकि यह कार सिर्फ टाटा ग्रुप के कर्मचारियों के अलावा किसी के पास नहीं होगी और इसकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अलग है और जिस पर JRD टाटा के सिग्नेचर भी है। तो टाटा ग्रुप किस तरह से अपने कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है उसको साबित करने के लिए ये जो न्यूज निकल कर आई है, स्पेशल एक कार लॉन्च की जा रही है जो सिर्फ टाटा ग्रुप के कर्मचारियों के लिए होगी। वो अपने आप को दूसरों से हटके समझ पाएंगे और उनके अंदर एक गर्व का एहसास होगा कि वो टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए। तो बहुत ही शानदार ये न्यूज़ है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।